गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ और मैंने वार्म वाटर पी लिया है और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट मेरा आने वाला है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी फिर मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन। सो गाइस, अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट मैं रूम में ही करती हूँ, बिकॉज सुबह सुबह मैं रूम में ही मंगवा लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और मुझे बहुत सर्दी भी हो गई है तो अभी मेरी जो वॉइस है वो बहुत अलग आ रही है, बट ठीक है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और सो गाइस, अब मैं पी रही हूँ चाय एंड उसके बाद, और अब मैं चाय पी चुकी हूँ, अब मैं होंगी रेडी। तो वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जनरली जिम चली जाती हूँ, लेकिन आज जो है मेरे कज़िन्स आए हुए हैं। मैं भोपाल में रहती हूँ और विदिशा से मेरे कज़िन्स आए हुए, तो आज हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं दोपहर में। कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आगे बताऊँगी ब्लॉग में। तो हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं तो आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, यूजली मैं 10:30 तक फिर भी उठ जाती हूँ, आज तो मैं 12 बजे उठी हूँ। तो बस अब मैं जल्दी से फटाफट रेडी होके और हम लोग कहाँ जाएंगे वो आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी 2 बज रहे हैं। यूजली मैं इस टाइम पे वीडियो शूट करती हूँ, मेरी इंडोर वीडियोज जो भी मैं बनाती हूँ, बट बिकॉज मैंने बोला कि आज मेरे कजिन्स आए हुए हैं और मेरी भाभी भी आई हुई है, वो सागर वाले घर में रहती है, मतलब मम्मी वाले, मम्मी के साथ मेरे 2-3 जगह पे घर है, तो आज हम लोग सब घूमने जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। तो हाँ, आज मैं वीडियोस भी वहीं पर, मेरे जो रील्स हैं वो वहीं पर शूट कर लूँगी, बिकॉज आज मैं घर पर तो रहने नहीं वाली दिन के टाइम, तो मैं बाहर पे ही शूट करूँगी। अरे ये मैं बस थोड़ी देर में आप सभी को बताऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। आज मैंने पहना है ये डंगरी, लाइक डेनिम का डंगरी, और डेनिम आउटफिट्स मेरे फेवरेट होते हैं, आई जस्ट लव डेनिम आउटफिट्स एंड वाइट कलर। तो हम लोग जाने वाले थे क्रिसेंट वाटर पार्क, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं डीपी सिटी। वहाँ पे हम लोग गेम्स खेलेंगे, कुछ कुछ खाएंगे और शॉपिंग करेंगे। तो जो जो भी मैं करूँगी वो सब आज के ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। और तब तक आप लोग देखिए भोपाल की प्यारी सी रोड। पहुंच गए डीबी सिटी और ये मेरे कजिन हैं। दिस इज माय क्यूटी पाई परली, दिस इज कृष्णा, एंड इज मनु, वो है मेरी भाभी भाभी, और ये तो मैं हूँ। गैंग जैसे लग रहे हैं हम लोग, यू नो लाइक एकदम। और हाँ, और इतने लोग भी आज हमारे बहुत सारे कजिन और भी आए हुए, तो वो लोग दूसरी कार से आ रहे हैं, वो लोग पीछे रह गए थे, फिर हमें वो भी आने वाले हैं। तो अब एकदम टीम बनने वाले हैं, ओके, एकदम खतरनाक टीम। काफ़ी गलती के साथ शी इज़ द लीडर और ये हमें गाइड करेंगे, हम जाने का वाले हैं, टीम की लीडर हूँ मैं। तो अभी हम लोग गलत आ गए, बहुत गर्मी लग रही है उसको, मुझे ऐसा लग रहा है, गर्मी नहीं, गर्मी तो पहले लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छा तो मेरे बाल हरी दी थी ये। कभी हम जाने का हाल है, अच्छा भाभी को पिक्चर्स चाहिए, ओके भाभी को बहुत सारी पिक्चर्स चाहिए, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो एंड नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई है डेफिनेटली, एंड ग्लो देखो जरा उनके फेस का, न्यूली वेड्स, हाय। अब हम जाने का हवाले हैं, ये हमारी हमें लीडर गाइड करने वाली, साक्षी अब हमें देखे कहाँ जाने वाली है। मैं एक्चुअली टाइम जोन ऊपर गेम्स के लिए, बिकॉज मैंने भी बहुत दिन से गेम्स नहीं खेले, तो मैं भी आज बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ एकदम। कंटिन्यूसली जाए जा रही हूँ, बताओ तो कहाँ जाने वाली है। तो एक्चुअली हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या गेम खेलेगा। बॉलिंग करने जा रहे हैं, नॉट गेट डिसाइड।
अभी खेलना हमने थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि हम सबको बहुत तेज भूख लगने लगी थी। तो अब हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, खाने के बाद हम लोग गेम्स खेलेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं फूड। अभी हम लोग मैगी आए बिकॉज हमारे एक भाई को, ये वाले भाई को मैगी से खाना है। तो अभी हम लोग मैगी आ गए, बाकी अभी हम लोग सब डिसाइड करेंगे, है ना। कैसा रहा आपका दिन? A day in my life? Very tired. अब ये थक गई है और इन्हें बहुत सारी रील्स भी बनाई है ना, और रील्स इसने भी बनवाई है। और अभी हम लोग कहाँ पे हैं? फूड कोर्ट पे हैं। हम लोग आ गए थे, हम लोग को जो बनाना था वो करके और इंजॉय करके हम लोग आ गए थे। बट उसके बाद दीदी की तबीयत ख़राब हो गई एंड वो खाना खा रही हैं, तो मैं उनको दिखा नहीं रही क्योंकि क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई है, मतलब उनकी पूरी बॉडी पेन कर रही है। सो ऐसा होता है।